गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम नेहा, आई होप यू ऑल आर गुड। दिस इज योर मोरल बुक। तो ये चैप्टर हमने 6 लास्ट टाइम पढ़ा था, अभी हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8 को पढ़ रहे हैं। तो लेट स्टार्ट। दिस इज चैप्टर 8। चैप्टर नेम इज हार्ड वर्क। चैप्टर नेम इज हार्ड वर्क। नाउ डिस्कस अबाउट हु आर द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। इट इज ओल्ड मैन, ठीक है? ही इज ओल्ड मैन। एक यहाँ एक ओल्ड मैन है, उसकी स्टोरी है। उनके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। उससे रिलेटेड ये स्टोरी है, ठीक है? थॉट क्या है? नो पेन नो गेन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टोरी क्या है हमारी, स्टार्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रीड करते हैं चैप्टर। अच्छे से रीड कर लीजिएगा बच्चा, हम स्टोरी समझा दे रहे हैं आपको। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन। एक ओल्ड मैन, बहुत समय पहले की बात है, जहाँ एक ओल्ड मैन गाँव में अपने घर में रहता था। वो क्या था? ही हैड 4 सन। उस जो ओल्ड मैन था उसके 4 बच्चे थे। देयर वर वेरी स्ट्रांग यंग मैन। और वो क्या हो गए थे? सारे के सारे जो बड़े हो चुके थे, ठीक है? बट दे डिड नॉट हार्ड वर्क। लेकिन उनको हार्ड वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दे स्पेंड मनी विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर। बिना भविष्य के बारे में सोचे वो क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च करे जा रहे थे। पापा का पैसा सारा खर्च कर रहे थे, बिना सोचे कि फ्यूचर में वो लोग क्या करेंगे आगे। डे बाय डे दे बिकम पुअर। इसीलिए वो क्या होते जा रहे थे? धीरे धीरे वो गरीब होते जा रहे थे। बट दे डिड नॉट केयर फॉर इट। फिर क्या होता है, वो उसका उनको ख्याल नहीं आ रहा था कि हम कितने गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे थे? सिर्फ पैसे खर्च करते जा रहे थे। और कम जो कहते हैं अर्निंग कोई पॉइंट नहीं था, सोर्स नहीं था। अब क्या है? द ओल्ड मैन बिकम मच वॉरिड अबाउट हिज सन। तो वो क्या हो गया, वो ओल्ड मैन बड़ा सोचने लगा, परेशान हो गया इस बारे में सोच के कि उनके बच्चे क्या करेंगे आगे चल के। ही थॉट इट डीपली हाउ टू चेंज देयर एटीट्यूड। वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया अपने बच्चों के लिए। तो क्या करने लगा वो, उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए कुछ अच्छा सा थॉट आने के लिए सोचने लगा। और उसने सोचा भी। वन डे अ ब्राइट आइडिया केम टू हिज माइंड। ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड, डियर सन, आई हैव बरीड अ लॉट्स ऑफ ट्रेजर फॉर यू इन आवर फील्ड। क्या है, वो एक दिन उसके माइंड में एक आइडिया आ भी गया और उसने अपने बच्चों को बुलाया अपने पास और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें पता है मैंने एक अपने जो हमारा खेत है उसमें मैंने क्या छुपाया है, एक बहुत सारा खजाना छुपाया हुआ है। डिगिंग आउट द ट्रेजर एंड स्पेंड इट टू एंजॉय योर लाइफ। क्या है, तुम क्या करो, जाओ वहाँ से उसको, उस फील्ड में से उसको मैंने जो ट्रेजर गाड़ा है उसको निकालो और उसके बाद पूरी लाइफ क्या करो, अपने आराम से बिताओ। क्यों? क्योंकि पैसे रहेंगे तो अच्छे से लाइफ जी जाएगी ना। तो वैसे ही ये अपने बच्चों से ओल्ड मैन क्या कहता है कि आप वहाँ से निकाल लेना और अच्छे से लाइफ जीना। फिर उसके सन क्या हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं ये बात सुन के। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि अब उनको क्या मिलने वाला था, बहुत सारा मनी मिलने वाला था। द नेक्स्ट डे दे वेंटेड टू द फील्ड एंड स्टार्ट डिगिंग द फील्ड। क्या करने लगे अब वो, नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगले ही सुबह वो कहाँ चले गए, फील्ड में चले गए, खेत में चले गए। वहाँ से वो क्या करने लगे, वहाँ अपने फील्ड में क्या करने लगे, गड्ढे खोदने लगे। अब क्यों गड्ढे खोदने लगे, गड्ढा खोद के क्या मिलता उनको, खजाना मिलता। एवरी डे दे रिपोर्टेड टू देयर फादर दैट दे कुड नॉट गेट द ट्रेजर। और वो हर रोज़ आते और अपने फादर से ये कंप्लेन करते कि मुझे आज अभी तक कोई भी ट्रेजर या फिर कोई भी खजाना वहाँ से नहीं मिला है। बट द कम टू नेक्स्ट पेज बट द फादर टोल्ड दैम नॉट टू वरी एंड इनकरेज्ड दैम टू डिग द फील्ड थ्रोली। क्या हुआ, लेकिन उसके फादर ने क्या कहा कि ये तुम परेशान मत हो, तुम अपना काम करते रहो, तुमको ज़रूर से उसमें ट्रेजर या जो कहते हैं खजाना मिलेगा। मीनवाइल द रेनी सीजन केम बट द यंग मैन डिड नॉट केयर फॉर द रेन एंड स्पेंड सर्वल डेज डिगिंग। अलाश दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। क्या हुआ कि अब वो इतना ज़्यादा उसमें खजाने के ढूंढने में बिजी हो गए कि बारिश भी आई तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और तब भी बारिश के टाइम में भी वो जाके खेती में क्या कहते हैं, खेत में क्या करने लगे, खेत को गड्ढा खोदते रहे, ठीक है? अलग अलग जगह गड्ढा खोदते थे रोज़ रोज़, तब भी कुछ नहीं मिला उनको, तब भी कुछ नहीं फाइंड आउट कर पाए। फिर द यंग मैन आस्क्ड देयर फादर वेयर इज़ द ट्रेजर। अब एक दिन क्या हुआ, वो लोग आए और अपने फादर से पूछने लगे कहाँ है खजाना। ही हैव डग इट द होल फील्ड थ्रोली बट देयर इज नथिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पूछा, अब यंग मैन आए और वो अपने फादर से पूछने लगे कहाँ है खजाना। तो उन्होंने क्या बोला कि हमने तो पूरा खेत में पूरा देख लिया, सब जगह खोद के देख लिया और हमें कहीं भी खजाना नहीं मिला है। ओल्ड मैन ने फिर क्या कहा, अपने सन को दिलासा देने के लिए क्या बोला, आई नो यू हैव वर्क वेरी हार्ड
योर हार्ड वर्क शुड नॉट गो वेस्ट. द रेनी सीजन हैज ऑलरेडी कम. इट इज़ गुड फॉर पैडी. सो ग्रो पैडी इन द फील्ड. क्या बोला उन्होंने उसको दिलासा देने के लिए? फिर से क्या बोला? अच्छा, तुम्हारा जो काम था, तुमने जो हार्डवर्क किया वो मुझे पता है, और जो हार्डवर्क तुमने किया है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए. इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो रेनी सीज़न आया था और आया था, तुमने उस टाइम भी क्या किया, हमारे जो खेत को क्या किया था, उसने डिगिंग किया था हर जगह ना, तो वो जो सॉइल थी वो फर्टाइल हो चुकी थी. अब फर्टाइल हो चुकी थी, उस जगह क्या करने के लिए बोल दिया उसके फादर ने? पैडीज. पैडीज क्या होता है? जो हमारे राइस को उगाया जाता है तो उसको पैडीज बोलते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्लांट होता है. तो उसको ग्रो करने के लिए उसके फादर ने आइडिया दिया फील्ड में. यंग मैन डिड सो. अब यंग मैन ने क्या किया? उनके चारों बेटे ने वही काम किया. द क्रॉप ग्रो. द फील्ड बिकम ब्यूटिफुल विद द रैपिड क्रॉप. क्या हुआ? वो थोड़े समय बाद क्या हो गया, वो फील्ड में बहुत सारे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर गए और अच्छे से वो ब्यूटीफुल क्या बोलते हैं, अच्छी सी क्रॉप दिखने लगी, अच्छे से चावल की खेती हो गई. द यंग मैन अलॉन्ग विथ हिज सन्स केम टू द फील्ड. अब उसके साथ क्या हुआ, जो बूढ़ा आदमी था और उसके बच्चे दोनों साथ में क्या हुआ, फील्ड में आए. और यंग मैन ने तब बताया अपने बच्चों को, लुक एट द पैडी फील्ड, इट इज़ फुल ऑफ गोल्ड. इट इज़ दिस ट्रेजर दैट आई वॉन्ट टू गिव यू. इफ यू वर्क हार्ड You will get this treasure again and again. क्या बोला उसने? देखो, अपने बच्चे से बोला, देखो मैं इस खेती की बात कर रहा था, ये सारा तुम्हारा क्या है, सोना है. इसे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में ये आता रहे, ये खजाना तुम्हारे पास हमेशा आता रहे, तो तुम क्या करो, हमेशा हार्ड वर्क करो. ऑल द यंग मैन कुड अंडरस्टैंड देयर फादर. दे नेवर फॉरगेट टू वर्क हार्ड एंड एन्जॉय देयर लाइफ हैप्पीली. क्या हुआ, अब उसके बच्चों ने ये बात समझ ली और उसके बाद कभी भी उन्होंने हार्डवर्क को भूला नहीं. अब हार्डवर्क से ही हर काम करना अच्छा लगने लगा उनको और पूरी लाइफ उन्होंने खुशी से जी. ठीक है, तो ये क्या है, अब इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हार्डवर्क गिव अस आर आइडेंटिटी एंड जॉय. ओके, हार्डवर्क हमें क्या देता है, एक अच्छी आइडेंटिटी देता है और उसके बाद हमें क्या देता है, खुशी भी बहुत देता है. तो ये चैप्टर कंप्लीट है. आपका पीडीएफ आपके पास पहुंचा होगा, तो इसको आप अच्छे से समझ लो और वह कंप्लीट करके चैप्टर को अच्छे से लर्न करो. थैंक यू.